अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें ऐसे हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं ना, तकरीबन पूरे दिन में ना और पूरी रात में 50 या 70 आते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं आते। कोई करता नहीं है सब्सक्राइब, सब देख के भाग जाते हैं बस। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो अभी हम घर पे मौजूद हैं, तो रात चलते चलते मोटर सहरी के टाइम तकरीबन कूलर की, तो अभी हम अंदर ही सोते हैं ना। तो बाकी तकरीबन हमारे गांव के जितने बंदे हैं ना वो बाहर ही सोते हैं अब ज़्यादातर। तो हम जो है ना कूलर चला के ना अंदर सोते हैं, तो रात अचानक से ना कूलर की मोटर को जो है ना आग लग गई। मेरे ख्याल में मोटर सड़ गई है। अभी मैंने उसे खोला था रात को भी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। तो जहाँ से हमने लिया है तो उसे मैंने कॉल किया है, वो कहता है अगर मोटर सड़ गया है, क्या अगर मोटर सड़ गया है तो उसे खोल के आप ले आएँ, सारा कूलर पंखा लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, तो हम आपको फौरन चेंज कर देंगे। तो अभी जो है ना मुझे तो पता नहीं चलता ये सड़ी है या नहीं सड़ी, ख़राब हुई है या नहीं हुई, पता नहीं चलता मुझे। तो अभी मैं मिस्त्री को लेके आऊँगा, क्या कहते हैं इलेक्ट्रिशियन को, मिस्त्री नहीं सॉरी इलेक्ट्रिशियन को लेके आऊँगा इधर जल्ला से, जल्ला शहर से। तो वो बताएगा, तो जैसे वो बताएगा तो वैसे करेंगे। तो लोधरा भी जाना पड़ेगा हमें। तो हुरिया देखें इधर खड़ी है, मेरे साथ ही खड़ी है ये भैया। अस्सलाम वालेकुम। परेशान हो रही है, कह रही है कि मोटरसाइकिल पर बैठना है। ये मोटरसाइकिल के लिए इसने तैयारी की हुई है। रिया आप किसी करो आपसे भी बातें कर रही है, आपसे बातें कर रही है, इधर बातें करो करो। रिया सुरमा कितना डाल दिया है? पूरी बोतल डाल दिया सुरमे की। चले फिर पहले मिस्त्री को तो ले आओ। हाँ वो मिस्त्री नहीं होता, इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन हाँ उसे ले आता हूँ। यहाँ से जो है ना आग लगी हुई थी यहाँ पर, तारे तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक ही खड़ी है। पहले 2-3 घंटे लगती रही है, मैं घबरा गई और डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। ये देखें तारे बिल्कुल ठीक ही हैं, तकरीबन यही सड़ गई है मोटर, पता नहीं क्या वजह बनी है। तो इसके पेच भी बहुत ज़्यादा थे, ये देखें कितने पेच थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पेज थे। 11 पेज मैंने खोले हैं इस साइड के और 11 उस साइड के। मुझे तो लगता है जब से कूलर पंखे आया ना, मैं मेरी शादी को कर रही थी तो पहले तो नहीं लेते थे, लेकिन 4-5 साल बाद मुझे 5-6 साल हो गए होंगे, तो जब से ये कूलर पंखे ले रहे हैं ना हमारे नसीब एक पंखा भी नहीं। हाँ, कितना पता जब भी लेकर आते हैं ना वो देखे बाहर खड़ा है तो वो भी खराब हो गया खड़ा है। हमने कहा कि महंगा लेकर आए बिजली वाला, जब बिजली पर चले तो बंद भी होगा कवर भी होगा तो इसी वजह से खराब नहीं होगा। तो पता नहीं क्या मसला है, पानी ज्यादा आता था नीचे, पता नहीं क्या उसकी इसकी वजह से कोई समझ नहीं आती, कोई समझ नहीं आ रही। और इसके जो है ना वो पानी वाली मोटर भी ठीक चल रही है, और दूसरा वो जो इसमें ग्रिल लगे होते हैं घूमने वाले तो वो भी ठीक चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो मोटर नहीं चल रही पंखे वाली। मुझे लगता है कि वो मोटर ही सड़ गई है। मेरे ख्याल में आपकी बोर्ड खराब है। बोर्ड नहीं खराब, बोर्ड खराब होता तो टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। सुनैन सुनाओ आप क्या लेनी है आज? इसने फुटबॉल लेनी है, इन्होंने तंग किया हुआ है 8-10 दिन हो गए, तो ये कह रहे हैं कि हमने फुटबॉल लेनी है, जो बैटबॉल लेनी है, तो इन दोनों ने इनको बाल भी लेकर देंगे, लोग ला जाना है फुटबॉल बैट और गेंद। और हुरिया के लिए कर लेंगे, फिर आप नहीं देखेंगे इसी वजह से हम नहीं कह रहे, बता रहे क्योंकि मुकम्मल उसकी वीडियो बनाएंगे ना, वीडियो बनाकर फिर दिखाएंगे। एक बात बताना चाहती हूँ कि जो मैंने चैनल बनाया ना फैमिली फूड सीक्रेट, तो उसमें मेरे व्यूज तो माशाल्लाह आपकी सपोर्ट से काफ़ी सारे 35-40 हज़ार पर वीडियो चली जाती है। तो अगर 35-40 हज़ार पर वीडियो चली गई तो उसमें सब्सक्राइबर कहाँ गए? आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं करते क्योंकि अभी तक मेरे 7,000 भी रहते हैं, 7,000 में 100-200 रहते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बड़ा चैनल है ना हैप्पी फैमिली,
तो उसमें अगर 42,000 हमारे सब्सक्राइबर थे एक माह पहले हो गए थे, तो एक माह में 1,000 मुश्किल से हमारे सब्सक्राइबर हुए हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम दुआ कर रहे हैं कि हमारी जो ईद है ना, ईद पर हमें दुगनी खुशी मिले, 50,000 हमारे सब्सक्राइबर हो जाए, तो हम इसी खुशी में पार्टी भी करेंगे, तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप हमारी सपोर्ट ज़रूर करना। प्रिया प्रिया क्या है हाँ? हसनैन को क्या है? क्या है हसनैन? वो मोटर जो है ना हमने खोल ली है, तो चेक की है, तो इसमें जो है ना मोटर ही ख़राब है। ये देखिए ये वाली, ये ख़राब हो गई है। यहाँ से जो है ना थोड़ी सी ना जल गई है, तारे ख़राब हो गए इधर से। तो अभी हमने तैयारी कर ली है और अभी हम जाने वाले हैं, इसे चेंज करवाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और रात को भी हम अंदर सोते हैं। तो तैयारी हमने कर ली है सब ने। तो प्रिया चले भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है आज बार, क्या करें, फिर जाना तो है ना, ये चेंज तो करवाना है ना। रात को भी गर्मी है। हाँ रात को भी गर्मी होगी इधर, प्रिया को गर्मी तो ना लगे ना। सलमान भाई के घर तो एक काम तो हो गया है, तो मोटर जो है ना वो उन्होंने कहा है कि अभी आप रख के जाएं, तो इंशाल्लाह 2 या 3 दिनों बाद जो है ना हम आपको वापस नई मोटर देंगे, तो फिर वो आना नहीं पड़ेगा, वो इधर हाई एस से या बस पे रखवा देंगे, तो मैं वहाँ स्टाफ से ले लूँगा। तो इतनी गर्मी है ना आज, बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार। अभी हम यहाँ सलमान के घर भी बैठे हैं और रोजे के बाद ही जाएंगे घर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। ये देखें बोलिए, हाँ तो ये मेरी है जो है ना सलमान भाई का घर है यहाँ नीचे, एक ऊपर हमने आपको दिखाया था, ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा गर्मी है, और सलमान के भी जो है ना वो भी घर पे आज नहीं है, तो आ जाएगी, हाँ वो भी आ जाएगी, तो उसे मिलेंगे। तो इस वक्त जो है ना अभी उसका एक बेटा छोटा है ना सलमान का, छोटा भाई वो खड़ा है इस टाइम, तो इधर तो कुछ फिर भी वो है ना, हाँ कमरे ठंडे हैं, लेकिन जो बाहर बड़ी गर्म हवा, हम रास्ते में आ रहे थे ना 2-3 रुके हैं वहाँ पर, खुश्क हो गए थे, अभी भी खुश्क हो गए, बच्चों को तो मैंने जूस वगैरह लेकर दिया है, चाय पे पड़ी थी, तो ये तो हाल नहीं रही थी, ऐसे करके सोई थी। ये कह रही थी कि मुझे ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मुझे सोने दो, मुझे ना लेकर जाओ मोटरसाइकिल, ये मास्क खींचती है, कहती है ये क्यों पहने हुए आपने, ये नीचे करती है। आप दुआ करना कि कोरोना भी बहुत ज्यादा हो गया हमारे पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा हो गया, और इसके अलावा इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा है, मुल्तान है ना हमारा शहर, तो वहाँ बहुत 85% हो गई है 100 में से, तो आप उनके लिए दुआ करना और हमारे लिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला बीमारी से निजात दे। करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमारी वीडियो आप सब बहनों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, इसी ही चैनल पर, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह।